आईपीएल 2023 की नीलामी से पहले सभी आईपीएल की टीमें हमें ट्रेड विंडो में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है, जहां पर ट्रेड विंडो की बदौलत बहुत सारे प्लेयर्स हमें ऑलरेडी इस आईपीएल में अपनी टीमें बदलते हुए नज़र आए थे। और अब इस लिस्ट में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का नाम भी जुड़ चुका है, जहां पर शार्दुल ठाकुर ने अपनी टीम बदल दी है। शार्दुल ठाकुर अब कौन सी टीम से खेलने वाले हैं, इसके साथ ही कितने करोड़ रुपये में शार्दुल ठाकुर की ट्रेड हुई है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग क्रिकेट और आईपीएल के बड़े फैंस हैं और चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम आईपीएल 2023 का टाइटल जीते, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शार्दुल ठाकुर को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 10.75 करोड़ रुपए की एक बहुत ही भारी और महंगी रकम में अपनी टीम में शामिल किया था, जिसके बाद शार्दुल ठाकुर ने लास्ट ईयर दिल्ली कैपिटल्स की टीम से खेला था। हालांकि बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना था कि शार्दुल की परफॉर्मेंस और ऑलराउंडर की कैपेबिलिटीज के हिसाब से डीसी की टीम ने उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आईपीएल 2023 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम के द्वारा शार्दुल ठाकुर को ट्रेड विंडो में डाला गया था, जहां पर शार्दुल ठाकुर को एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार आईपीएल टीमों की साइड से ट्रेड का ऑफर आया था। इन चार टीमों में चेन्नई सुपर किंग्स, उनके साथ ही राजस्थान रॉयल्स, गुजरात टाइटंस और खुद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम शामिल थी। और अब फाइनली शार्दुल ठाकुर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हो चुके हैं। अभी तक निकलकर आ रही रिपोर्ट्स के हिसाब से पैसों में ही ये डील हुई है, जिसका मतलब है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 10.75 करोड़ रुपए देने पड़े हैं शार्दुल ठाकुर की ट्रेड के लिए। कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से इस ट्रेड से कौन सी टीम को ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।